नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सतना की मैहर विधानसभा से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। गुरुवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने नारायण त्रिपाठी को बसपा की सदस्यता दिलाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिपाठी ने बीजेपी से बगावत कर विंध्य जनता पार्टी बनाई थी और करीब 25 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे, लेकिन नारायण त्रिपाठी समेत विंध्य जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। माना जा रहा है कि अब नारायण त्रिपाठी बसपा के टिकट पर सतना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि बसपा नारायण त्रिपाठी की 5वीं पार्टी हो गई है। इससे पहले नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और विंध्य जनता पार्टी से जुड़े रहे और अब बसपा में शामिल हो गए हैं। नारायण त्रिपाठी के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2003 में हुई, जब वो सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने। 2016 में नारायण त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव जीतकर तीसरी बार विधायक बने। 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर जीतकर चौथी बार विधायक बने, लेकिन इसके बाद से ही नारायण त्रिपाठी और बीजेपी में पटरी बैठना बंद हो गई। त्रिपाठी लगातार बीजेपी में रहकर उसे कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। माना जा रहा था कि त्रिपाठी कांग्रेस चले जाएंगे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली।